दोस्त नमस्कार। दोस्तों मेरे मन की बात मैं कहना चाहूँगा कि आज जैसा आपको पता है सुबह आप घर से उठते हो तो आपके मोबाइल के व्हाट्सएप मैसेज में, फेसबुक में, समाचार पत्रों के माध्यम से और अपने ये टीवी में आप लोग देखते हो, मल्टीमीडिया मोबाइल के अंदर आप लोग देखते हो कि आए दिन छोटी बच्चों के साथ गलत कार्य करके उनकी हत्या कर दी जाती है, जलाया जाता है। बड़ा दुख का विषय है। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उससे मुझे गहरा दुख है। हिंदुस्तान के अंदर हर महिला, हर पुरुष, हर बुजुर्ग एक ही बात कहता है कि ये ऐसी घटना कब खत्म होगी। अब जैसे तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद के अंदर चार लड़कों ने, एक रेडी डॉक्टर ने जी है, उसके साथ गलत काम करके उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद उसको जिंदा जला दिया। हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत में गहरा रोष है। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि कानून इतना मजबूत हो कि लड़की अपने घर से बाहर निकले तो 10 बार सोचे नहीं, बिल्कुल बिंदास खुल के अपने घर से बाहर जाए। लेकिन बड़ा दुख होता है। आज जैसे न्यूज चैनल के माध्यम से, टीवी में देखने से पता चला कि उन चार लड़कों ने, जिन्होंने डॉक्टर ने इनको जलाया और मार डाला, मारने के पश्चात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद आज उन लोगों ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश करी तो इनकाउंटर में उनको गोली मार दी गई। लेकिन दुख तो इस बात का होता है, गोली मारने से कुछ नहीं होगा। सरकार ऐसे कानून लाए, ऐसे बिल पास करे कि जो ऐसी हरकत करता है उनको भरे चौरे पर मार दिया जाए। मैं धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूंगा उन पुलिसकर्मियों को जिन्होंने ये कार्य किया है और इनके कार्य से प्रेरणा लेकर सभी पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ऐसी हरकत करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। क्योंकि आज बेटी घर से बाहर निकलने पर सोचती है और लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि आज जो ये जो गलत हरकत करते हैं उनके भी घर में बेटी होगी, बहनें भी होगी, बहू भी होगी, माँ भी होगी। तो मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम जो हैदराबाद पुलिस ने जो कार्य किया उनको मैं साधुवाद, धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अजमेर से हरिसेन, धन्यवाद।